हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम घूमने वाले हैं पुरी। पुरी जो कि वर्ल्ड फेमस है जगन्नाथ टेम्पल के लिए एंड लॉन्गेस्ट गोल्डन बीच के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप पुरी कैसे पहुंच सकते हो, आप पुरी में कहां रुक सकते हो, पुरी में आप कहां कहां घूम सकते हो, पुरी में आपको खाने पीने की क्या सुविधा मिलेगी एंड पुरी में आपको कब जाना चाहिए एंड लास्ट एक इंसान का कितना खर्चा आता है पुरी जाने के लिए। तो एंड तक आपको पूरा वीडियो देखना है एंड एंड तक मेरे साथ में आपको बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पुरी कैसे पहुंच सकते हो। अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली पुरी रेलवे स्टेशन जा सकते हैं क्योंकि पुरी का खुद का एक रेलवे स्टेशन है। तो आप कहीं से भी आते हैं तो डायरेक्टली आप पुरी रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो बाय फ्लाइट आपको भुवनेश्वर एयरपोर्ट उतरना होगा। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से आपको बस या तो टैक्सी मिल जाएगी जो डायरेक्टली आपको पुरी छोड़ देगी। अब हम जानते हैं कि आप पुरी में कहाँ रुक सकते हो। पुरी में आपको बहुत सारे आश्रम मिल जाएंगे एंड होटल रूम भी मिल जाएगा। अगर आप आश्रम में रुकना चाहते हैं तो कुछ आश्रम वहाँ पर फ्री होते हैं एंड कुछ आश्रम वहाँ पर चार्जेबल होते हैं। अगर आप होटल रूम में रुकना चाहते हैं तो होटल रूम का जो चार्ज स्टार्ट होता है वो 500 से 3000 के बीच में होता है। तो इसमें से जो आपके लिए कंफर्टेबल है आप वहाँ पर रुक सकते हैं। आगे हम जानते हैं कि आपको पुरी कब जाना चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं वेकेशन का, आप प्लान कर रहे हैं घूमने जाने के लिए, आपको पुरी जून से अक्टूबर के बीच में जाना चाहिए। यह सही समय होता है पुरी जाने के लिए। अब हम जान लेते हैं आप पुरी में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। सबसे पहले जिस जगह के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो वर्ल्ड फेमस जगह है, वो है श्री जगन्नाथ पुरी टेम्पल। जगन्नाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, ये बहुत फेमस है। बोला जाता है कृष्ण जी का एक रूप है जगन्नाथ, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत टूरिस्ट यहाँ पर स्पेशली विजिट करने आते हैं। तो अगर आप कभी पुरी जाते हैं तो जगन्नाथ पुरी टेम्पल जाना ना भूलिएगा। आगे हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वो है पुरी बीच। पुरी बीच जिसको गोल्डन बीच भी बोला जाता है, ये बहुत फेमस और बहुत सुंदर बीच है। यहाँ का जो सनराइज होता है वो बहुत सुंदर होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं यहाँ का सनराइज देखने के लिए। ये बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप कभी पुरी में जाते हैं तो पुरी बीच जाना ना भूलिएगा। आगे हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वो है नरेंद्र तालाब। ये बहुत बड़ा तालाब है, ये बहुत सुंदर तालाब है। यहाँ पर आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। ये जगन्नाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप कभी पुरी जाते हैं तो नरेंद्र तालाब जाना ना भूलिएगा। आगे हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वो है सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम। सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम बहुत फेमस म्यूजियम है। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी, बहुत सारी मूर्ति की आकृतियाँ देखने मिलेंगी। तो आपको एक बार सुदर्शन म्यूजियम ज़रूर विजिट करना चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत बढ़िया होगा। आगे हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं कोणार्क। कोणार्क उड़ीसा राज्य में पुरी ज़िले का एक छोटा सा शहर है। ये भी बहुत फेमस है और इस कोणार्क को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पागोड़ा। ये नाम से भी बहुत फेमस है ये जगह। तो अगर आप कभी विजिट करते हैं तो कोणार्क विजिट करना ना भूलिएगा। आगे हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वो है पीपली। पीपली उड़ीसा का एक छोटा सा गांव है। वहां पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। क्या आपको हैंडक्राफ्ट की चीज़ें पसंद है? आप जब पीपली में जाएंगे आपको हैंडमेड चीज़ें बहुत सारी मिलेगी। पीपली फेमस है हैंडमेड चीज़ें बनाने के लिए। वहाँ पर आपको बैग्स मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि हाथ से स्पेशली तैयार की हुई हैं। तो वहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं एंड वहाँ का आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। एंड वहाँ पर आपको बहुत सारे स्ट्रीट फूड भी मिलेंगे, तो वहाँ का स्ट्रीट फूड भी आप ज़रूर ट्राई करके आइएगा। आगे हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वो है साक्षी गोपाल टेम्पल। साक्षी गोपाल मंदिर भुवनेश्वर में है जो कि बहुत पॉपुलर मंदिर है और यहाँ ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये प्राचीन मंदिर भी है। तो अगर आप कभी विजिट करते हैं तो साक्षी गोपाल टेम्पल ज़रूर विजिट कीजिएगा।
आगे हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वो है चिलिका लेक। चिलिका लेक इसे भारत का सबसे बड़ा लेगून माना गया है। इसे दुनिया के सबसे बड़े लेगूनों में गिना जाता है। यहाँ पर विजिट करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और ये लेगून को देखने के लिए आते हैं, तो आपको भी एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए। आगे हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वो है रघुराजपुर आर्टिस्ट विलेज। रघुराजपुर का विरासत शिल्प गांव अपनी पटचित्रा कला के लिए ओडिशा का सबसे फेमस गांव है, तो यहां पर आपको एक बार विजिट करना चाहिए एंड पूरा गांव आपको एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। अब हम जानते हैं पुरी में आपको खाने पीने की क्या सुविधा मिलेगी। पुरी में आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा जहाँ पर आपको वेज एंड नॉन वेज ईजिली मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से वेज एंड नॉन वेज खा सकते हैं। अब हम जानते हैं एक इंसान का कितना खर्चा होता है पुरी जाने के लिए। एक पर्सन का जो खर्चा होता है वो 4000 से 6000 के बीच में होता है। पुरी का एक मेन फेस्टिवल भी है जो बहुत बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है, रथ यात्रा, जो कि पुरी का सबसे फेमस फेस्टिवल है। ये बहुत बड़े लेवल पे फेस्टिवल बनाया जाता है। ये देखने के लिए बहुत अलग अलग जगह से लोग जाते हैं ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। तो अगर ये टाइम पे जाना चाहते हैं तो ये जो फेस्टिवल है वो जून से जुलाई के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका टाइमिंग चेंज होता रहता है, तो आपको डेट वगैरह सब चेक करके तब जाना चाहिए। एंड ये रथ यात्रा के समय में होटल्स, रूम वगैरह के चार्जेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट आपको कौन से जगह पे जाना है वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। तो गाइस, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।